नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आधुनिक बिहार राज्य का गठन से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा एक वीडियो आया था जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो, वहाँ पर मैंने आधुनिक बिहार राज्य का गठन के बारे में विस्तार में बताया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य का बंटवारा कितनी बार हुआ, कब कब हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, उड़ीसा, बंगाल तथा इसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया था। मैंने आपको बताया था कि आधुनिक बिहार राज्य का गठन में बिहार के किन प्रमुख नेताओं का योगदान सर्वोपरि था तथा इसके दौरान क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो उसी पर आधारित यह ऑब्जेक्टिव तौर पर यह प्रश्न है। यहाँ पर आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा आज का पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया था। प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थी। तो सही आंसर इसका होगा 12 अगस्त 1765। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार की राजधानी थी दिल्ली, ढाका, पटना या फिर कलकत्ता। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन व्यवस्था चले जाने पर अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वरूप में अनेक बदलाव किए। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसी दौरान कंपनी सरकार ने अपनी राजधानी को कलकत्ता में स्थापित किया था। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलकत्ता। चलिए तीसरा प्रश्न है, बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा कि बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था। बिहार बंधु, बिहार टाइम्स, सारण सरोज या फिर पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार टाइम्स। बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के बिहार टाइम्स समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था और इसके संपादक जो थे वे थे महेश नारायण। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि महेश नारायण ने बंगालियों के द्वेष भावना से चोट खाकर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कलकत्ता से बिहार वापस आ गए थे और इसी दौरान उन्होंने 1894 में बिहार टाइम्स पत्र निकालना शुरू किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार टाइम्स। चलिए पांचवा प्रश्न है, किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था। तो मैंने आपको अभी बताया, इसका सही आंसर होगा महेश नारायण यानी कि ऑप्शन नंबर सी, किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1894 ईस्वी में जब महेश नारायण कलकत्ता से अपनी पढ़ाई को छोड़कर बिहार वापस आया था तो उन्हीं के उपरांत 1894 ईस्वी में उन्होंने बिहार में बिहार टाइम्स निकालना शुरू किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये डेट था 1894। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। तो मैंने आपको बताया था इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स इलियट, जैसे कि चार्ल्स इलियट ने अस्वीकार कर दिया था। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविनेंस एन अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था या किसके द्वारा लिखा गया था। प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविनेंस एन अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था या किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, केशव राम भट्ट, महेश नारायण, गोपाल राम गहमरी या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था, मेयो, मिंटो, करजन या फिर हॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा 1904 में सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटवारा लॉर्ड करजन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के विवादपूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण क्या गया था? ये सारे मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के विवादपूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1904 में सच्चिदानंद सिन्हा का एक लेख आया था, उस लेख का नाम था द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोमिनेंस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल। और फिर इसके एक वर्ष बाद महेश नारायण शर्मा ने इसका दूसरा लेख 1905 में प्रकाशित किया, और इन्हीं दोनों लेखों के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था, जिसका नाम दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। तो इस प्रकार सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि यह अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 9-10 अप्रैल 1910 में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 9-10 अप्रैल 1910 में। यहाँ पे बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था भागलपुर में, जिसमें कि बिहार को पृथक राज्य देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1910 को भागलपुर में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 9-10 अप्रैल 1910। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? प्रश्न है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी, ये उड़ीसा सहित? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 दिसंबर 1911 को उड़ीसा सहित बिहार को बंगाल से अलग करने का घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। ये डेट यहाँ पे है 21 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, 23 मार्च 1912 या फिर 24 मार्च 1912। यहाँ पे 14वां का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च 1912। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था? बिहार प्रांत का गठन किया गया था जो कि उड़ीसा सहित, ये डेट आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का गठन हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 1912। अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया, जबकि 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था, और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक प्रांत बनाया गया। तो सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1936। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा के बंटवारे के बाद विभाजित क्षेत्र रहा था? इसका सही आंसर चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा या फिर धनबाद। तो इसका सही आंसर जो होगा, बिहार उड़ीसा के बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था, वो था ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? 44%, 45%, 46% या फिर 47%? तो दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार राज्य का 46% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, जो कि भारत का 28वां राज्य है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2001 को हुआ था। तो ये 44% भूमि को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, तो इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो मैंने आपको जस्ट बताया कि 15 नवंबर 2001 को झारखंड का गठन हुआ था बिहार से अलग होकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2001 को, और ये बिहार का 46% भूमि को लेकर इसका निर्माण हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 नवंबर 2000। और अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार या फिर जगन्नाथ मिश्र? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा
राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राबड़ी देवी। अब दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन है जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री पद पर दो बार अपनी सेवा दे चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो आप इसे ध्यान में रखें, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये हुआ जगन्नाथ मिश्र का, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। ये दो बार मुख्यमंत्री पद पर बिहार में रहे थे। तो इसका सही आंसर इस प्रश्न का जो होगा वो होगा राबड़ी देवी, जो कि जिसके काल में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड बिहार का भारत का 28वां राज्य है और ये गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो आप इन सारे बातों को ध्यान में रखें। ये वीडियो आधारित था मेरे पिछले वीडियो पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य के आधुनिक बिहार राज्य के गठन के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जहां पे मैंने आपको काफ़ी विस्तार में बताया है, वो आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।